जय श्री कृष्ण, जय दुर्गा माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं और आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, आज मैं आपको साल 2024 में चैत्र नवरात्रि पर्व के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगे, कब समाप्त होंगे, सही डेट क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि, नवरात्रि के नियम क्या हैं, किस तिथि को कौन सा नवरात्र रहेगा और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आज के इस वीडियो में हम यही सब कुछ जानेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि में माँ दुर्गा के स्वरूपों की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और दो गुप्त नवरात्रि समेत चार नवरात्रि मनाई जाती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के नौ अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना बेहद खास मानी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ भगवती अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करती हैं, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। चैत्र महीने की नवरात्रि भी जल्द शुरू होने वाली है। चैत्र नवरात्रि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है, लेकिन इसके कुछ रीति रिवाज और परंपराएं समान हैं। नवरात्रि के दौरान लोग बड़े उत्साह और भक्ति के साथ दुर्गा और उनके नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस दौरान समृद्धि, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवी दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत और प्रार्थना करते हैं। यह त्योहार शहर के विभिन्न हिस्सों में, घरों में और पांडालों में दुर्गा की मिट्टी की मूर्तियों की स्थापना के साथ शुरू होता है। दुर्गा की मूर्तियों को फूलों, कपड़ों और गहनों से खूबसूरती से सजाया जाता है। पांडाल आमतौर पर रंगीन रोशनी और सजावट से जगमगाते हैं, जिससे उत्सव जैसा माहौल बन जाता है। नवरात्रि के पहले तीन दिन देवी दुर्गा के उन रूपों की पूजा करने के लिए समर्पित है जो एक उग्र और शक्तिशाली हैं, जो बुराई से लड़ती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अगले तीन दिन धन और समृद्धि की देवी देवी लक्ष्मी को समर्पित हैं, जो अपने भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक धन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आखिर के तीन दिन ज्ञान, शिक्षा और कला की देवी देवी सरस्वती को समर्पित हैं, जो अपने भक्तों को ज्ञान और रचनात्मकता का आशीर्वाद देती हैं। भारत के कुछ हिस्सों में नवरात्रि के आखिरी दिन को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि रामनवमी के साथ समाप्त होती है, जो हिंदू भगवान विष्णु के साथ में अवतार प्रभु राम का जन्मदिन है। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। चैत्र नवरात्रि एक साल में मनाई जाने वाली हिंदुओं की चार नवरात्रि में से एक है। यह नवरात्रि चैत्र के सौ महीने में आती है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में आती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर घट स्थापना की विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार जिस जगह चौकी घट स्थापना करनी है, सबसे पहले उस स्थान को गाय के गोबर से लीपें, बड़े मिट्टी के दीपक में जौ बोएं, इस दीपक को पूजा के स्थान पर स्थापित कर दें। अब अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का कलश लें, पानी भरकर इसमें पूजा की सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ डाल दें। अब इस कलश के ऊपर पान या अशोक के पत्ते के साथ नारियल रख दें। यह कलश पूजन स्थान पर स्थापित कर दें। कलश के नीचे थोड़े गेहूं भी रखें। अबीर, कुमकुम, फूल, चावल से कलश की पूजा करें। सबसे पहले गणपति की पूजा करें, फिर माता का आह्वान और समस्त ग्रहों की पूजा करें। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2024 घट स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल 2024 को रात 11:50 पर शुरू होगी और अगले दिन 9 अप्रैल 2024 को रात 8:30 पर इसका समापन होगा। घट स्थापना मुहूर्त 9 अप्रैल सुबह 6:02 से सुबह 10:16 तक, कुल अवधि 4 घंटे 14 मिनट की है। कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक, कुल अवधि 51 मिनट की।
चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा तिथि व्रत 9 अप्रैल 2024 को मां शैलपुत्री की पूजा होगी। चैत्र नवरात्रि द्वितीया तिथि व्रत 10 अप्रैल को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा। चैत्र नवरात्रि तृतीय तिथि 11 अप्रैल मां चंद्रघंटा की पूजा। चैत्र नवरात्रि चतुर्थी तिथि व्रत 12 अप्रैल को मां कुष्मांडा की पूजा। चैत्र नवरात्रि पंचमी तिथि व्रत 13 अप्रैल को मां स्कंद माता की पूजा। चैत्र नवरात्रि षष्ठी तिथि व्रत 14 अप्रैल को मां कात्यायनी की पूजा। चैत्र नवरात्रि सप्तमी तिथि व्रत 15 अप्रैल को मां कालरात्रि की पूजा। चैत्र नवरात्रि अष्टमी तिथि व्रत 16 अप्रैल को मां महागौरी की पूजा अष्टमी पूजन। चैत्र नवरात्रि नवमी तिथि व्रत 17 अप्रैल को मां सिद्धिदात्री की पूजा नवमी पूजन। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि पर पूजा के कुछ नियमों के बारे में। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। कहते हैं जहां घट स्थापना होती है वहां दुख दरिद्रता का नाश होता है और मां दुर्गा की कृपा से वैवाहिक जीवन में मधुरता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन घरों में नवरात्रि के दौरान घट स्थापना की जाती है वहां कभी अंधेरा ना होने दें और ना ही घर को सूना छोड़ें। अखंड ज्योत जलाई जाती है तो उसमें ध्यान पूर्वक तेल या घी डालते रहें। 9 दिन तक अखंड ज्योति जलनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर में गंदगी ना रखें। प्याज लहसुन के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी ना खाएं और शराब आदि का भी सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिन बाल नाखून काटने और दाढ़ी मूछ बनवाने के लिए भी मना किया जाता है। व्रतधारी को नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सुबह शाम विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि पर माता की सवारी इस बार क्या होगी, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि मंगलवार से शुरू हो रही है। नवरात्रि में मंगलवार और शनिवार के दिन माँ का आगमन घोड़े पर होता है, जिसे अशुभ माना गया है। ऐसे में इस बार चैत्र नवरात्रि 2024 में माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर पधारेंगी। माता का वाहन घोड़ा प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है। जानकारों के अनुसार इसका अर्थ है कि हम भविष्य के संकटों के प्रति वर्तमान से ही सचेत हो जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण, जय दुर्गा माता की।